स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम सुधीर कुमार श्रीवास्तव है और आज मैं ग्रामर की क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसा कि बताया कि आज पहला दिन है, पहला वीडियो है, तो एक बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, इंट्रो का वीडियो रहेगा। हम बात करेंगे सेंटेंस की। सेंटेंस होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता करना होगा कि सेंटेंस कहते किसे हैं। सेंटेंस अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो सबसे पहले ये देखा जाएगा, कहा जाएगा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सम मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, राम गोज टू स्कूल, कि राम विद्यालय जाता है, शब्द का वह सार्थक समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करे वाक्य कहलाता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें यानी वाक्य के प्रकार की बात करें तो ये पांच तरीके से होते हैं। पहला असर्टिव यानी साधारण वाक्य, दूसरा इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव यानी आज्ञा सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी भाववाचक वाक्य, ऑप्टेटिव इच्छावाचक वाक्य की बात करेंगे। असर्टिव सेंटेंस की बात करें तो असर्टिव सेंटेंस दो तरीके से होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य कहलाता है, जबकि निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य कहलाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मोहन प्लेज क्रिकेट मैच, मोहन क्रिकेट मैच खेलता है, ये सकारात्मकता दिखाता है कि मोहन मैच खेलता है। इसलिए सेंटेंस के वर्ड सेंटेंस कैसा होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव, मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट मैच, मोहन क्रिकेट मैच नहीं खेलता है। इस वाक्य में डज नॉट, नॉट का प्रयोग जहां पे भी आएगा सेंटेंस हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव में दो तरीके से होते हैं, पहला होता है सिंगल इंटरोगेटिव और दूसरा डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव स्टार्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट होते हैं, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, लाइक। डज मोहन प्ले क्रिकेट मैच, तो इसमें सेंटेंस जो डज है, वर्ड डज है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इसलिए सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, के क्वेश्चन वर्ड के साथ में होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। तो व्हाई डज मोहन प्ले क्रिकेट मैच, कि मोहन क्रिकेट मैच क्यों खेलता है। अब आते हैं नंबर फोर पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी थर्ड पे, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में या तो ऑर्डर की बात की जाती है, या परमिशन की बात की जाती है, या फिर रिक्वेस्ट की बात की जाती है। डू दिस वर्क, इस कार्य को करो, तो इस कार्य को करने में यानी इस कार्य को करने के लिए कहा गया, यानी ऑर्डर दिया गया है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें फीलिंग्स को क्या किया जाए, एक्सप्रेस किया जाए, जैसे इसमें खुशी जाहिर हो, दुख जाहिर किया जाए, जैसे कि हुर्रा वी वन द मैच, की बहुत खुशी की बात है कि हम मैच जीत गए, और लॉस ही डाइड, और दुख की बात यह है कि वो मर गया। ऑप्टेटिव इच्छावाचक वाक्य, इस वाक्य में ऐसे शब्द आते हैं जिसमें जो आशीर्वाद स्वरूप होते हैं, जैसे ब्लेसिंग्स वर्ड्स लाइक ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।